नमस्कार, मैं हूं मैथिली आनंद और समय भारत में आपका स्वागत है। यूपी में आज बजट पेश किया गया। आइए हम अपने वरिष्ठ पत्रकार से जानते हैं कि यूपी के चौथे बजट में और पिछले बजट में क्या अंतर उनको दिखाई दिया। नमस्कार, हेलो सर। हेलो। देखिए, अब तक के इतिहास में योगी सरकार का सबसे बड़ा ये बजट है। योगी सरकार नहीं, जब से उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। लेकिन जो बजट की मेन बातें हैं, उत्तर प्रदेश एक तो देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसमें विभिन्नताएँ भी अलग अलग हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग है या जो ज़रूरतें हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो ज़रूरतें हैं, बिल्कुल अलग हैं। जो भी जो बजट को जो संकलन जो किया गया है, बजट को संकलन करने में कहीं ना कहीं संतुलन गड़बड़ा गया है। क्योंकि सबसे पहले ये देखा जाता है, जब भी बजट बनता है 5-6 महीने पहले से नीति आयोग लग जाता है, ग्राउंड लेवल पे देखी जाती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है और उसको जो है अगले बजट में हम फोकस करें। तो अभी अगर देखा जाए तो बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है, किसानों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, गन्ना मिल के किसान बेरोजगार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 19 से ज़्यादा चीनी मिलें जो कि बेकार बंद पड़ी थी, अब रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो जैसा कि आज योगी सरकार की ओर से बताया गया कि ये किसानोन्मुखी बजट है और विकासोन्मुखी बजट है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो है कि 500 करोड़ आपके जेवर में एयरपोर्ट पर दिया गया, अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट को लगभग 200 करोड़ दिया गया, स्वच्छता जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कई हज़ार करोड़ दिया गया। इसके अलावा जो सड़कों का निर्माण है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ये ठीक है। स्वास्थ्य में भी जैसे कि अखिलेश के क्षेत्र सैफई में PGI को 200-250 करोड़ मिल गए, उसके बाद अन्य हॉस्पिटल को मिल गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बुनियादी, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य जो गाँवों को ज़रूरत है, जैसे कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक अभी सफल हुआ है, तो इसको नकार दिया गया। जो कि मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे ये पहले बोला गया था कि उत्तर प्रदेश में भी गरीब लोगों को टारगेट किया जाएगा, जो कि जाएं, जिनका उपचार फ्री में हो, जिनको फ्री में दवाइयां मिल सके। तो पहला चीज़ स्वास्थ्य व्यवस्था में बजट बनाने में यहाँ कमी आई। दूसरी, जो उच्चतर शिक्षा के लिए 111 करोड़ दिया गया, लेकिन जो निम्नतम शिक्षा है, जैसा कि आप देख रही हैं, जो बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है या जूते दिए जा रहे हैं, बैग दिए जा रहे हैं, सब फटे या तो समय पे नहीं पहुंचते हैं। जाड़े में जो चीज़ें अक्टूबर नवंबर में मुहैया होनी चाहिए थी, वो जा करके अभी जनवरी में मुहैया कराई जा रही हैं। तो कुल मिला के प्राथमिक शिक्षा कहीं ना कहीं नदारद रही है। एक तरफ आप डीजल का दाम बढ़ाए जा रहे हो, यूरिया का दाम, खाद का दाम बढ़ाया जा रहे हो, लागत किसानों की बढ़ती जा रही है, ऊपर से मौसम की मार है, सिंचाई परियोजनाओं का मतलब भगवान भरोसे है कि फसल आएगी या नहीं आएगी कोई ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर बीमा राशि नहीं बढ़ाई जाएगी किसानों की, कि अगर आपके फसल नुकसान हो जाता है तो कम से कम लागत राशि किसानों को मिले, तो फिर वो भी किसान जो है अपने खेती में ना तो लागत लगाएगा ना तो श्रम करेगा, तो भी हाथ बेरोजगार रहेगा। और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है। एक चीज़ और, योगी जी सरकार ने कहा है कि हम केंद्र के तर्ज पर नीति आयोग का गठन करेंगे, तो इस पे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि नीति आयोग की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विभिन्नताओं वाला राज्य है और कहीं ना कहीं सही तरीके से बजट में न्याय करने के लिए नीति आयोग का होना ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ज़रूरतों को पहचाना जाए और उसी ज़रूरत के हिसाब से योजना में धनराशि का वितरण किया जाए, ताकि सारी जनता को बराबर बराबर न्याय मिल सके। हमने महिलाओं से भी बात की तो देखने को मिला है कि महिलाएँ इस बजट से खुश हैं, काफ़ी खुश हैं। सालाना उन्हें 6,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो इस पे आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे? जी ज़रूर, महिलाओं के लिए ये पॉजिटिव कहा जाएगा, क्योंकि पहले तो वो भी नहीं मिलता था। आपने देखा होगा कि विकलांग का पेंशन था और वृद्धा आश्रितों को पेंशन दिया जाता था, लेकिन जब से ये तीन तलाक वाले कानून बना, इसमें सजा का प्रावधान किया गया, तब ये हुआ कि इसमें आखिर उनको कहाँ से गुजारा भत्ता मिलेगा। तब जाकर के योगी सरकार ने जितने भी तलाकशुदा हैं, तलाकशुदा में अलग से शब्द ये इस्तेमाल नहीं किया गया, निराश्रित कर दिया गया, जिसमें हिंदू जो विधवा हैं वो भी आ जाती हैं और उनको भी, उन लोगों के लिए एक ये अच्छा प्रावधान किया गया, उसमें एक धनराशि। इस बजट को लेकर क्या कहना था? उम्मीद है इस बजट से आम लोग भी उतने ही कनेक्ट हो पाएंगे और इस बजट से काफ़ी खुश हो पाएंगे।